वेलकम इन आवर चैनल। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 11th सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11.1 पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। यहाँ पर हम सीखेंगे बोरिक एसिड के बारे में। जो बोरिक एसिड है उसे हम एक ऑर्थोरॉम्बिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम बोरिक एसिड को एक ऑर्थोरॉम्बिक एसिड भी बोलते हैं, यानी कि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कुछ डेफिनेट शेप में नहीं होती है, ऑर्थोरॉम्बिक शेप में होती है, इसलिए इसको ऑर्थोरॉम्बिक टाइप का एसिड भी कहा गया है। अब अगर यहाँ पर हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखें तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में जो बोरिक एसिड है उसका अगर हम फॉर्मूला देखें तो ये है बोरिक एसिड का फॉर्मूला। इसे हम कैसे बना सकते हैं तो उसके लिए यहाँ पर फर्स्ट मेथड हमारे पास दे रखी है कि बोरोन के जो भी कंपाउंड्स होते हैं उन्हें अगर हम हाइड्रोलाइज कर लेते हैं। हाइड्रोलाइज करना मतलब क्या होगा? वाटर में डिजोल्व करना। क्या होगा? वाटर में डिजोल्व करना, यानी कि हाइड्रोलाइज करना। जैसे यहाँ पर ये हमारे पास बोरोन का एक कंपाउंड है BCl3, यानी कि बोरोन क्लोराइड। तो इसे अगर हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? S3BO3, यानी कि ये क्या है? यहाँ पर बोरिक एसिड है। तो बोरिक एसिड को हमने कैसे बनाया? यहाँ पर जो बोरोन के कंपाउंड्स है उन्हें हमने हाइड्रोलाइज किया, यानी कि वाटर में डिजोल्व कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास बन गया बोरिक एसिड और साथ में बनता है यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि HCl। एक और यहाँ पर सेकंड मेथड दे रखी है कि हम बोरिक एसिड को कैसे बना सकते हैं, तो बाय बोरेक्स, यानी कि बोरेक्स के थ्रू भी हम बोरिक एसिड बना सकते हैं। ये है यहाँ पर हमारा बोरिक एसिड और बोरेक्स क्या है? तो ये जो फॉर्मूला दे रखा है वो है यहाँ पर बोरेक्स का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला है? ये बोरेक्स का फॉर्मूला है Na2B4O7 जो है वो बोरेक्स का फॉर्मूला है। जब बोरेक्स की हम HCl के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, साथ में इसमें वाटर भी प्रेजेंट होता है, तब हमारे पास बनता है यहाँ पर बोरिक एसिड प्लस NaCl बनता है। ठीक है, NaCl क्या यहाँ पर साल्ट है। मेन आपका प्रोडक्ट जो है वो ये है, बोरिक एसिड है। यानी कि हम जो बोरेक्स है उसको हम अगर HCl के साथ में हाइड्रोलाइज करवाते हैं तो हमारे पास यहाँ पर बोरिक एसिड प्रिपेयर हो जाता है। अब अगर यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज देखते हैं कि जो बोरिक एसिड है ना उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, तो प्रॉपर्टी में फर्स्ट पॉइंट में इसमें कहा गया है इट इज स्मूथ लाइक सोप। जैसे साबुन चिकना होता है, स्मूथ होता है, उसी टाइप से जो बोरिक एसिड है वो भी क्या है यहाँ पर काफी स्मूथ होता है। आगे कहा व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, साथ में व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन टाइप का सॉलिड होता है। सेकेंड पॉइंट में कहा इट इज सॉल्युबल इन हॉट वाटर, जो हॉट वाटर है उसके अंदर ये इजीली डिजोल्व हो जाता है, कोल्ड वाटर में ठीक से डिजोल्व नहीं होगा। अब यूजेस अगर इसके हम देखें तो यूजेस यहाँ पर फर्स्ट यूज में बताया इन क्ले इंडस्ट्री, जो क्ले इंडस्ट्री है यानी कि जहाँ पर चीनी मिट्टी या सिंपल मिट्टी के बर्तन बनते हैं वहां पर हम जो बोरिक एसिड है उसका यूज कर सकते हैं। कहां पर? क्ले इंडस्ट्री में हम बोरिक एसिड का यूज कर सकते हैं। जो सेकेंड पॉइंट है इसमें क्या कहा है? फॉर प्रिपेयरिंग हीट रेजिस्टेंस ग्लास, जो हम घर में या खिड़कियों के ऊपर जो ग्लासेस लगाते हैं, ऐसे ग्लास लगाते हैं जो कि हीट रेजिस्टेंस हो। हीट रेजिस्टेंस होना मतलब क्या? कि उनके ऊपर जब सनलाइट गिरे तो वो इजिली ब्रेक ना हो। इस टाइप के अच्छी क्वालिटी के अगर हम ग्लासेस लगवाते हैं तो वो जो ग्लास बनाते हैं ना, वो ग्लास को बनाने के लिए यहाँ पर जो बोरिक एसिड है उसका यूज किया जाता है, जिससे कि क्या होता है जो भी ग्लास है ना वो हीट रेजिस्टेंस हो जाता है, यानी कि हीट के प्रति वो रेजिस्टेंस नेचर रखता है, इजीली वो हीट या गर्म होने पर टूटता नहीं। तो हीट रेजिस्टेंस ग्लासेस बनाने में इसका यूज करते हैं। इसके अलावा लेबोरेटरी में जो हम टेस्ट ट्यूब वगैरह ये जो भी इक्विपमेंट्स यूज करते हैं जिनको हमें हीट करने की आवश्यकता होती है, तो ऐसे इक्विपमेंट्स भी ग्लास के बने होते हैं। और ग्लास में अगर बोरिक एसिड ऐड कर दिया जाए तो वो काफी हीट रेजिस्टेंस हो जाते हैं। नेक्स्ट थर्ड वाला पॉइंट में यहाँ पर कहा है इन प्रिपेयरिंग ऑफ आई क्लींजिंग सॉल्यूशंस, आंख को साफ करने के लिए जो आई ड्रॉप्स बनते हैं वो आई ड्रॉप में भी हम बोरिक एसिड का यूज करते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा है कि आई क्लींजिंग जो सॉल्यूशंस आते हैं उनके अंदर भी बोरिक एसिड यहाँ पर मिक्स होता है। फोर्थ पॉइंट में यहाँ पर कहा है प्रिपरेशन ऑफ मिल्क एंड फूड मटेरियल्स,
आर्टिफिशियल जो मिल्क बनाते हैं उसमें भी हम बोरिक एसिड का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो आर्टिफिशियल फूड मटेरियल से बनाए जाते हैं उनमें भी हम बोरिक एसिड का यूज करते हैं। तो क्या सीखा यहाँ पर हमने कि बोरिक एसिड क्या है, एक टाइप का ऑर्थोरम्बिक टाइप का एसिड है, यानी कि इसमें ऑर्थोरम्बिक टाइप के छोटे छोटे क्रिस्टल्स आपस में अरेंज होते हैं और बनाते हैं बोरिक एसिड। मेथड प्रिपरेशन में हमने क्या देखा यहाँ पर कि बोरोन के जो कंपाउंड्स है उन्हें अगर हम हाइड्रोलाइज करते हैं यानी वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो हमारे पास बनेगा बोरिक एसिड प्लस एससीएल। बोरेक्स के थ्रू हम बोरिक एसिड बना सकते हैं, ये बोरेक्स था, इसके हमने एससीएल यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड वाटर के साथ में रिएक्शन करवाई तो हमारे पास यहाँ पर मिला बोरिक एसिड प्लस यहाँ पर मिला एनएसीएल यानी कि साल्ट। फिर हमने उसकी प्रॉपर्टी देखी, प्रॉपर्टी में क्या देखा कि ये कैसे होते हैं, काफी स्मूथ होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है, कैसे व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, सफेद कलर के क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी में यहाँ पर हमने देखा इट इज सॉल्युबल इन हॉट वाटर, हॉट वाटर में डिजोल्व इजिली हो जाते हैं। यूजर्स में हमने फर्स्ट देखा क्ले इंडस्ट्री में यूज करते हैं, सेकेंड में देखा हीट रेजिस्टेंस जो ग्लासेस बनाए जाते हैं उनके अंदर यूज करते हैं, आई क्लीनिंग जो सॉल्यूशंस बनते हैं उनमें भी यूज करते हैं एंड मिल्क एंड फूड मटेरियल्स बनाने में इसका यूज हम करते हैं। तो ये हमने देखा यहाँ पर बोरिक एसिड और उससे हमने अच्छे से रिकॉल भी किया। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर हमारा एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम हमें कहाँ पर मिलता है, ये हमें नेचर में मिलता है, बट ये जो एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ में अटैच हुआ रहता है, यानी कि जो एल्यूमिनियम है वो हमें नेचर में फ्री स्टेट में नहीं मिलता है, किसी अदर एलिमेंट्स के साथ में ये अटैच रहता है। जैसे यहाँ पर दे रखा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड दे रखा है इसका और साथ में यहाँ पर H2O का भी मॉलिक्यूल दे रखा है, यानी कि ये एल्यूमिनियम जो है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ में अटैच है। ऐसे यहाँ पर अगर आप देखो तो एल्यूमिनियम फॉस्फोरस सिलिकॉन और ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा हुआ है, तो इस टाइप से ये अदर एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ रहता है, यानी कि फ्री स्टेट में नहीं मिलता है। आगे कहा इट इज मोस्ट अबंडेंट मेटेलिक एलिमेंट फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, ये जो एलिमेंट है वो सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है अर्थ की क्रस्ट में। अर्थ क्रस्ट यानी कि अर्थ का जो सबसे ऊपर वाला एरिया है उस एरिया में सबसे ज्यादा अगर मेटल हम देंगे तो एल्यूमिनियम ही पाया जाता है। और एल्यूमिनियम का अगर हम एटोमिक नंबर देखें तो एटोमिक नंबर क्या है इसका 13 है, पैरिटी टेबल में इसको हमने 13 प्लेस पर अरेंज किया है। आगे अगर हम इसके ओरे की बात करें, इसके जो इम्पोर्टेंट ओरे है वो कौन कौन से है, तो फर्स्ट है यहाँ पर ऑक्साइड्स, ऑक्साइड के अंदर अगर हम देखें तो कोरंडम सेफर, कोरंडम एंड सेफर, सेफर का जो फॉर्मूला हुआ क्या है यहाँ पर Al2O3। ऐसे ही सेकेंड है यहाँ पर, नेक्स्ट अगर देखें हम तो हाइड्रेटेड ऑक्साइड, हाइड्रेटेड ऑक्साइड जो है वो बॉक्साइड है और इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है यहाँ पर Al2O3 2H2O यहाँ पर अरेंज है, ठीक है, क्या है यहाँ पर 2H2O इसके साथ में है। ऐसे अगर यहाँ पर नेक्स्ट देखें हम तो नेक्स्ट क्या है डायस्पर है Al2O3 इसका फॉर्मूला साथ में 1H2O यहाँ पर इसके साथ में, तो बॉक्साइड और डायस्पर का फॉर्मूले में थोड़ा सा यहाँ पर चेंज है, क्या है यहाँ पर 2H2O है और यहाँ पर 1H2O का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और बाकी दोनों के फॉर्मूले काफी सेम है। ऐसे देखें आप तो सॉलिकेट है, सॉलिकेट का अगर फॉर्मूला हम यहाँ पर देखें तो सॉलिकेट का फॉर्मूला क्या है, जो सॉलिकेट है वो फेल्सपर के फॉर्म में पाया जाता है, उसका फॉर्मूला अगर देखें तो KAL सिलिकॉन में यहाँ पर 3 एटम्स है इसके, ऑक्सीजन के 8 एटम्स है, यानी कि KAL SI3O8 ये इसका कंप्लीट फॉर्मूला है यहाँ पर फेल्सपर का। ऐसे ही जो एल्यूमिनियम है ये फ्लोराइड से साथ में जब जुड़ता है तो फ्लोराइड से बनाता है, यानी कि जो एल्यूमिनियम है वो फ्लोराइड के फॉर्म में नेचर में प्रेजेंट होता है। जैसे अगर एग्जांपल देखें तो क्रायोलाइट का एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है, इसका फॉर्मूला देखें तो Na3AlF6 ये हो गया यहाँ पर फ्लोरीन, साथ में सोडियम से भी यहाँ पर जुड़ा हुआ रहता है। अब इसका अगर हम यूजेस देखें एल्यूमिनियम के, तो जो एल्यूमिनियम है इसके हम कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं, तो फर्स्ट यूज है इसका यहाँ पर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो एल्यूमिनियम है वो क्या है एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का एंड लाइटर मेटल, लाइटर मेटल मीन्स क्या होगा यहाँ पर ये हल्की मेटल है। सेकेंड पॉइंट में यहाँ पर कहा है
यूज इन इलेक्ट्रिक वायर्स, जो इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स हम बनाते हैं उनमें भी इसका यूज हम करते हैं। थर्ड पॉइंट में यूज दे रखा है पर यूज्ड फॉर मेकिंग टेंट सीट्स यूटेंसिल्स एंड ट्रेस। जो पेंट बनाते हैं या शीट्स बनाते हैं या यूटेंसिल बनाते हैं या फिर ट्रे बनाते हैं, इन सब में भी हम एल्यूमिनियम का यूज यहाँ पर कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट में यहाँ पर कहा है इट्स अ थिन फॉइल, इसकी जो एक पतली से हम चादर बनाते हैं उसका यूज हम करते हैं यहाँ पर कवरिंग ऑफ सिगरेट, यानी कि जो सिगरेट की कवरिंग होती है उसको सिगरेट पैकेट के अंदर जो सिगरेट्स कवर की जाती है वो पैकिंग करने में हम इसका यूज करते हैं। सॉफ्ट की जो कवरिंग है उसको बनाने में यूज करते हैं। इसके अलावा जो स्वीट्स है यानी मिठाइयों के ऊपर भी इसकी पतली सी थिन फॉइल चढ़ाई जाती है, तो यहाँ पर हम एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। एक बार रिकॉल कर लेते हैं इसको, आप सब भी देखोगे इसको ध्यान से ना, क्या कहा है यहाँ पर कि एल्यूमिनियम क्या है, एक एलिमेंट है, एक टाइप की मेटल है। कहाँ पर पाई जाती है, नेचर में पाई जाती है, बट नेचर में ये फ्री स्टेट में नहीं पाई जाती। कहा ना पर नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट, यानी फ्री स्टेट में नहीं रहेगी। फ्री स्टेट में नहीं रहना मतलब किसी अदर एलिमेंट के साथ में ये जुड़ी हुई रहती है। जैसे यहाँ पर अगर ऑक्साइड देखो आप, तो ऑक्साइड में ये एल्यूमिनियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है। बॉक्साइट में जो इसका बॉक्साइट वाला फॉर्मूला है इसमें ये ऑक्सीजन और H2O के साथ में अटैच्ड है। ऐसे डायस्पर में यहाँ पर भी ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ में अटैच्ड है। फेल्सपर में ये पोटेशियम सिलिकॉन और ऑक्सीजन के साथ में अटैच्ड है। क्रायोलाइट में सोडियम फ्लोरिन के साथ में अटैच्ड है। तो इस टाइप से अदर एलिमेंट्स के साथ में जुड़ा हुआ रहता है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट और अगर देखें तो ऑक्साइड है, ऑक्साइड में बोरॉन डबल और सेफेयर होता है, Al2O3 का फॉर्मूला है। ऐसे हाइड्रेटेड ऑक्साइड देखें, हाइड्रेटेड तो मतलब क्या होगा कि यहाँ पर H2O से जुड़ा हुआ है, H2O यानी वाटर से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, ऑक्साइड के Al2O3 2H2O। डायस्पर का भी सेम फॉर्मूला है, बस यहाँ पर 2H2O आ जाएगा, यहाँ पर 1H2O। सॉलिकेट जो है, सॉलिकेट में अगर देखें हम तो फेल्सपर है आता है और इसका फॉर्मूला KAl SiO8 है, याद रखना पड़ेगा इसको हमको। फ्लोराइड में अगर देखें तो फ्लोराइड्स क्या होंगे, जिसमें फ्लोरीन से जुड़ा हुआ रहे एल्यूमिनियम वो फ्लोराइड्स हो जाएंगे। जैसे क्रायोलाइट इसका एक एग्जाम्पल है, Na3AlF6 एग्जाम्पल है। यूजर्स देखें तो बहुत सिंपल यूजर्स है, इलेक्ट्रिसिटी के जो वायर्स है वो बनाने में हम इसका यूज करते हैं। लाइटर मेटल है यानी कि हल्की मेटल है, इसलिए इसको कैरी करना आसान होता है। यूज इन इलेक्ट्रिकल वायर्स, इलेक्ट्रिसिटी के जो वायर्स है वो बनाते हैं इससे। यूज फॉर मेकिंग पेंट शीट एंड यूटेंसिल एंड ट्रेस, ये सब चीजें बनाने में यूज करते हैं इसका। साथ में थिन फॉइल बनाने में भी यूज करते हैं। थिन फॉइल कहाँ यूज करते हैं, तो सिगरेट की जो कवरिंग होती है वहां पर यूज करते हैं। साथ में जो सोप की आउटर कवरिंग है या स्वीट्स की जो कवरिंग है वो करने में हम इस मेटल का यूज करते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा और ये दोनों टॉपिक आपके होमवर्क में।